हमको मालूम था सियासत की हकीकत, लेकिन सत्ता मिलती रहे तो पलट जाना अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भरोसा किया जो 2020 के चुनाव और 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ा भाई मान लिया। तेजस्वी यादव के नाम पर ही नीतीश कुमार को टारगेट करने के बाद, कटघरे में खड़ा करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपना रास्ता अलग कर लिया। अगर सत्ता मिलती है तो पलट जाना अच्छा है। सियासी कानाफूसी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज जो हमारे पास खबरें हैं वो खबरें होली से जुड़ी हुई हैं, और होली में किस राजनीतिक दल के नेता ने बधाई के साथ साथ कौन सा टिप दिया, ये सब आपको आज बताएंगे। क्योंकि आपके पास अखबार नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि होली की सब जगह बंदी थी, और होली एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सभी लोग उल्लास मनाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, साथ साथ शबे बारात भी था, उसको लेकर के भी लोग अपनी पूजा अर्चना और अरदास करने में, अपनी कहा जा रहा है कि अपने पूर्वजों को याद करने में जुटे हुए थे। इन सारी बातों को लेकर के जहां एक तरफ पर्व त्यौहार मनाए जा रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दल के नेता होली की शुभकामनाओं के साथ बहुत कुछ फीडबैक दे रहे थे। इस फीडबैक में जो सबसे पहला फीडबैक है, उसे बताने से पहले हम आपको बता दें कि हमको मालूम था सियासत की हकीकत, लेकिन सत्ता मिलती रहे तो पलट जाना अच्छा है। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हम नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, हम नीतीश कुमार की कुछ अलग बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पर भरोसा भारी पड़ गया। अब आप पूछेंगे कि फिर एक बार नीतीश कुमार, तो भाई नीतीश कुमार फ्रेम में हैं, मेन लीड में हैं, तो किसका नाम लिया जाएगा। नीतीश कुमार पर भरोसा भारी पड़ा, ये बात आप भी जानते हैं, इसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। 17 साल के 18 साल के जो शासन चले हैं बिहार में, उसमें अधिकांश समय नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। 2005 से लेकर 2013 तक किसी भी तरह का कोई भी ऐसा बात सामने नहीं आया जिससे नीतीश कुमार की नाराजगी हो। अगर छोटी मोटी हुई भी होगी तो वो इतनी बड़ी नहीं थी कि नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना पड़े, लेकिन 2013 में बड़ा फैसला लेने की जरूरत पड़ गई नीतीश कुमार को। वो क्यों जरूरत पड़ी? तो नीतीश कुमार से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा कर लिया नरेंद्र मोदी पर, और नरेंद्र मोदी को जैसे ही प्रधानमंत्री का चेहरा सामने रखा, इनकी नाराजगी बढ़ गई और भरोसा टूट गया। ये भरोसा अपने पुराने, जिनके साथ लगभग 2 दशक के आसपास दुश्मनी थी, उस लालू प्रसाद पर फिर से भरोसा हुआ, और लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार पर भरोसा कर लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उनके बाल बच्चों को आगे नीतीश कुमार बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी से ऊब चुके हैं। लालू प्रसाद सक्रिय राजनीति से दूर रहे, क्योंकि कानून जो बना उस कानून के तहत वो सक्रिय राजनीति में भागीदार नहीं हो सकते थे। लेकिन चुनाव प्रचार से लेकर के नीतीश कुमार को उनके हाथों में अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़ाने से लेकर के बाकी सारी प्रक्रिया पर भरोसा उन्होंने किया, टूट गया। 2015 का यह भरोसा 2017 में टूट गया, और इस भरोसे को लेकर के फिर आगे बढ़े। बहुत बड़ा बुरा भला हुआ। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि ये कहानी क्यों कह रहे हैं, तो इस कहानी के आगे का जो ट्विस्ट है ना, वो बहुत शानदार है, क्योंकि ये सारा फीडबैक अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से है, जिनसे होली के अवसर पर शुभकामना संदेश के साथ ये सब भी चर्चाएं हुई हैं। तो जब 2017 का टूटा, तो फिर 2017 में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए, और फिर भारतीय जनता पार्टी ने एक भरोसा किया जो 2020 के चुनाव और 2019 के चुनाव में नीतीश कुमार को बड़ा भाई मान लिया। 2019 में तो अपनी जीती हुई सीटें भी नीतीश कुमार को दे करके खुश कर लिया, क्योंकि भरोसा जताना था। आगे 2020 में भी वही हुआ, एक सीट से ही सही, नीतीश कुमार सीट शेयरिंग में आगे रहे, और उसके साथ साथ ये भी सकरवा लिया कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। लेकिन 2020 में जैसे ही सरकार बनाने की कवायद हुई, नीतीश कुमार को कम सीटें आईं, तो मुख्यमंत्री का शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बनना तो नहीं चाहता था, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती बैठा दिया। ध्यान रखिएगा इस बात को, ज़बरदस्ती बैठा दिया, भाजपा ने भरोसा किया, और उस भरोसे को कहीं ना कहीं एक बार फिर से
टूटना पड़ा 2022 में। 2023 चल रहा है, ये भरोसा कितने दिनों तक चलेगा नीतीश कुमार और वर्तमान सरकार के साथ जो अन्य दल हैं उसका, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उसके साथ साथ तेजस्वी यादव और उपेंद्र कुशवाहा दोनों दिल्ली में अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों साथ आ रहे हैं, दोनों तैयारी कर रहे हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को कैसे बाहर किया जाए और खुद सत्ता पर बैठा जाए। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव के नाम पर ही नीतीश कुमार को टारगेट करने के बाद, कटघरे में खड़ा करने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने अपना रास्ता अलग कर लिया है, लेकिन क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन की कोई सुगबुगाहट होगी, गूंज उठेगी, तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा सहयोगी बन सकते हैं? सत्ता में कुछ भी संभव है, अगर सत्ता मिलती है तो पलट जाना अच्छा है, हमने शुरू में ही आपको बता दिया था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जहां एक तरफ तेजस्वी यादव लालू प्रसाद से नए नए दांव पेंच सीख रहे हैं कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी अपनाई जाए, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा भी आगे के रास्ता तय कर रहे हैं। और होली के बहाने, होली मनाना तो एक बहाना है बल्कि असल में सियासी रंग लगाना है। मैंने कहीं पढ़ा है, और पढ़ा क्या है, एक सज्जन बोल रहे थे कि रंग लगाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन रंग बदलना बहुत खतरनाक है, लोग रंग बदल देते हैं। खैर, इसके आगे आप बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और तेजस्वी यादव दिल्ली में बैठ करके अपनी पूरी प्लानिंग बना रहे हैं कि आगे की रणनीति, राजनीति कैसे होगी। एक तरफ जहां लगता है तेजस्वी यादव को और उनके परिवार के लोगों को कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने की सारी अर्हता पूरी करते हैं और नीतीश कुमार को सत्ता से हटा करके वो बन सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी उनको सपोर्ट मिल रहा है। अब आगे हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस का क्या प्लान है, लेकिन इस बीच में उपेंद्र कुशवाहा अपनी आगे की यात्रा और यात्रा से उत्साहित, क्योंकि जो उनका एक लंबा प्रैक्टिस छूट गया था दो ढाई सालों में, 2020 से लेकर के 2023 में जब वो अलग हुए, उस बीच में उनका प्रैक्टिस छूट गया था, उस प्रैक्टिस को फिर पीच पर उतर करके धनादन धनादन वो धोनी टाइप ब्लास्टिंग करने लगे हैं, और उसका फायदा उनकी पूरी टीम को मिल रहा है, टीम उत्साहित है और नए नए लोग जुड़ रहे हैं। हमने आपको खबरों में बताया भी था कि अगर एक भी मूव नीतीश कुमार लेते हैं महागठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर के, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने या अन्य बातों को लेकर के सीट शेयरिंग का समझौता नहीं करते हैं, तो मामला बिगड़ सकता है। और उपेंद्र कुशवाहा दिल्ली में बैठकर भाजपा के साथ वही प्लानिंग बना रहे हैं, भाजपा ने भी अपने जिलाध्यक्षों की लिस्ट जारी कर दी है। खैर, इन सब बातों के साथ कांग्रेस बड़ा खेल करने वाली है। अब ये बड़ा खेल किस दिशा में हो सकता है, तो जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है और जिस तरह से जो बातचीत के सिलसिले में ये बात आई है कि कांग्रेस नीतीश कुमार को छोड़ करके तीसरे मोर्चे के बनाने की तैयारी में लग गई है। इस मोर्चे में बहुत सारे लोग होंगे लेकिन नीतीश कुमार नहीं होंगे, ऐसा अब तक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि नीतीश कुमार अति उत्साही हैं। हालांकि बातचीत के क्रम में एक शख्स ने यह भी बताया है कि विपक्षी एकता के कोऑर्डिनेटर के रूप में भी नीतीश कुमार को सामने रखा जा सकता है, लेकिन ये तब संभव है जब नीतीश कुमार एश्योर कर दें कि वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं और राष्ट्रीय जनता दल में अपनी पार्टी का विलय कर लें। हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कि मनीष सिसोदिया वाले मामले पर सारा विपक्ष, अधिकांश दल जो आने वाले 2024 में बेहतर रोल निभाने वाले हैं, वो उसमें शामिल थे, लेकिन नीतीश कुमार उसमें से नदारद थे, यहां तक कि तेजस्वी यादव भी उसमें शामिल थे। अब भारतीय जनता पार्टी और साझा विपक्ष बनाने के लिए अलग अलग राज्यों की जो राजनीतिक दल हैं, नेता हैं, वो नीतीश कुमार को रखना तो चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को वर्तमान जो उनका फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में नहीं, उन्हें ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। और नीतीश कुमार पर भरोसा करके कहीं आने वाले 2024 में घाटा ना हो जाए, इस बात से सभी डरे हुए हैं। तो इसके आगे की कहानी क्या है कि कांग्रेस एक बड़ा खेल खेलने वाली है। यदि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार बनती है या केंद्र में स्थिति अच्छी होती है, तो उसके लिए कांग्रेस एक बड़ा प्लान बना करके नीतीश कुमार को बाहर रख सकती है। 2014 आपको याद होगा कि 2014 में यही हुआ था और गठबंधन बनते बनते रह गया था,
नीतीश कुमार बुरी तरह से अकेले पड़ गए थे और अलग अलग छोटे छोटे दलों से, कई दलों से उन्होंने समझौता करके 2014 का चुनाव लड़ा था, जिसमें उन्हें 2 सीटें प्राप्त हुई थी। 2019 में उन्हें समझ में आ गया था कि उनको क्या करना चाहिए, इसलिए उन्होंने पाला बदल दिया। एक बार फिर से 2024 को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई है, जिसमें कांग्रेस को ये एहसास हो रहा है, कांग्रेस ये समझ रही है, जैसा कि कांग्रेस के नेताओं से बातचीत के क्रम में भी बात पता चली, कि कांग्रेस इस दिशा में सोच रही है कि नीतीश कुमार को छोड़ करके अगर कोई गठबंधन बनता है तो वो गठबंधन ज़्यादा कारगर हो सकता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये सब चल ही रहा है, लेकिन चिराग पासवान, मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि वो उनकी टीम का हिस्सा हैं, लेकिन क्या जब तक पशुपति कुमार पारस कंफर्टेबल हैं एनडीए में, तो क्या चिराग पासवान कंफर्टेबल हो सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब और ज़्यादा खतरनाक तब हो जाता है जब कहीं ना कहीं भीतर खाने में ये चर्चा शुरू हो जाती है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में अब चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी, ये 3 ऐसे धड़े हैं जो कभी भी अपनी तैयारी को बताते नहीं हैं, सीधे स्विफ्ट कर जाते हैं, और इनके स्विच करने से एक बात क्लियर हो जाती है कि ये वक्त के हिसाब से अपने निर्णय बदलते हैं। सियासत में ऐसा होता है, और इन सब बातों को लेकर के ये कहना लाजमी होगा कि सब कुछ काबिले मरम्मत है, सब कुछ काबिले मरम्मत है एतवार के सिवा। भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, और सियासत में भरोसे का आप समझते ही हैं मतलब क्या होता है। जब तक आप सियासत में हैं, जब तक आपको सत्ता मिलती है, सब भरोसा है, वरना सियासत में सत्ता पाने के लिए भरोसा तोड़ना अच्छा है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, कानाफूसी में हम आपसे यहीं विदा लेंगे, कल फिर मुलाकात होगी। ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है वो होली को समर्पित था, क्योंकि होली में शुभकामना संदेश को लेकर के जो बातें आई हैं, जो बातें हुई हैं, उसी के आधार पर हमने आपको बताया कि बिहार की राजनीति में अभी बहुत उथल पुथल होना बाकी है। अगर आपके पास भी कोई जानकारी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।